शाहीन जल्दी से चाय ले आओ, साहब इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा किया, चाय की बहुत तलब हो रही थी। इतने साल हो गए आपके साथ, आपकी मैं हर आदत से वाकिफ हूं, अच्छी तरह जानती हूँ किस वक्त आपको किस चीज की जरूरत है। इतने साल हो गए, इतना नहीं समझती बेगम। तो मुझे पूरा समझती हो, पूरा। वैसे कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि तुम मुझे मुझसे ज्यादा बेहतर समझती। अच्छा आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। अरे फातिमा, क्या बात है, तुम इस तरह मुताहिर कहाँ हैं, अकेले कैसे आ रही हो तुम? बेटा कुछ बोलो तो, क्या बात है, क्या हुआ है फातिमा? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और आप पूछ रही हैं क्या हुआ? क्या कह रही हूँ, अनिका से रुखसती का फैसला आप लोगों का ही था ना? बेटा जो भी था, तुम्हें इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उजड़े हुए दरख्त पर तो परिंदे भी अपना आशियाना नहीं बनाते। मैं तो जीती जाती इंसान, हाथों तुमने बिल्कुल ठीक किया। और अगर यही रवैया और यही लहजा तुम उसके साथ शुरू से रखती ना, तो उसकी कभी हिम्मत ना होती ये करने की। महर ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? फातिमा पहले इतनी परेशान है और फिर तुम। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आजकल के दौर में जो इंसान कुर्बानी देता है ना, उसी का नुकसान होता है। ये आप देख लें इसके साथ क्या हुआ। जिंदगी सबके साथ अच्छा ही करती आई है ना, और वो दूसरी तरफ अनिका को देखा। सारी जिंदगी बस अपनी मनमानी चलाती रही और आज इसका शोर ले गई इससे। अब आप ही बताएं किसका फायदा हुआ, बताइए ना। खैर शाहीन आइए, फातिमा का सामान उसके कमरे में रखें, ये अब से यहीं रही। फातिमा अपने कमरे में जाओ, रेस्ट करो।